हमारे भी सवरिया जी हैं, सौरभ जी हैं, रुनंद जी हैं, अभिषेक जी हैं, सुमित जी हैं और डॉक्टर अमित। इसमें आप कुछ डॉक्टर अमित सुरसत देख रहे हो, डॉक्टर शारिक वाल देख रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। डॉक्टर अमित जी जो पैटमैन समझाने आते हैं, और हमारे कुलदीप जी हैं जो 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार और साथ 2 बार उपराष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। जोरदार तालियां आपके लिए, हमारे इस प्रदेश और देश के गौरव हैं। और अरुण जी के मैं क्या बताऊं, अरुण जी इस कोरोना काल में एक भी दिन घर में नहीं बैठे और लगातार चलते रहे। और सबसे वीर नारी का अगर हमको कोई इनाम या प्रोत्साहन देने कहा जाए, सम्मान देने कहा जाए, तो अर्चना जी है। 11 महीने का बच्चा, आदमी सोचिए किसी का बच्चा कितना प्यारा होता है, सोच सकते हैं आप। और 11 महीने के बच्चों लेकर के सुबह से लेकर शाम तक इसी मेला ग्राउंड में रहते रहना, ये तन मन धन तीनों तरह समर्पित लगे हुए हैं। अरुण जी अपना सब कुछ जो भी निछावर किए हुए क्योंकि समाज के कुछ काम आ सके। हकीकत में जो उत्तर प्रदेश महोत्सव है, ये एक बड़ी परिकल्पना थी और इतनी बड़ी परिकल्पना कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच पाता। फिर भी आपके जज्बातों में सलाम करता हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम उठा करके इतने जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में नाम रोशन किया। और जो बुलाते हैं आप, ये पूरे प्रदेश भर के बच्चों को बुला करके सम्मान करके उनको स्टेज देना, आज मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे। उनके गुरुजी को प्रणाम करता हूँ कि आप अपनी पूरी टीम लेकर के आए, आपका बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और ये जो बच्चे जब यहाँ पर स्टेज परफॉर्म होते हैं, जो तालियाँ मिलती हैं, ये गड़गड़ाहट इनकी ज़िंदगी भर के काम आती है। और लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया था, मैंने कुछ मेहनत किया था, उसका प्रतिफल हमको मिले। और हमारे जो पुराने एंकर साहब हैं चौहान साहब, तो ये दीनानाथ चौहान, विविध सिंगर चौहान, जितने नाम ले लो उतने कम है चौहान साहब, जितने पृथ्वीराज चौहान, सब इनके नाम समाहित होते हैं कि मैं। और आज के एंकरिंग करने जो बिटिया कर रहे, बिटिया का नाम बेटा आपका रवि श्रीवास्तव, एक जोरदार ताली रवि श्रीवास्तव जी के लिए। जब ये गाना गा रही थी, जब अच्छे से सिंग कर रही थी तब देख रहा था, और फिर जब एंकरिंग करती, दोनों में काफी आवाज में डिफरेंस है। ये एक होता जो संगीतकार होता है उसके एक अलग सुर बोल होते हैं, उसके वजह से मैं देख रहा था कि दोनों बड़ा डिफरेंस है। आपने बड़ा अच्छा रियाज किया, आपके बहुत साधुवाद। और आपके जो भी टीम है सबको साधुवाद देता हूँ। वर्मा जी ने भी जो कुलदीप जी का गाना हुआ, मतलब रचनाकार सामने हमारे हैं, और उसके साथ में वर्मा जी ने जो अपना परफॉर्मेंस किया है, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और चेतना तिवारी ने तो कमाल कर दिया, क्या बेटा आपने मेहनत किया। चेतना तिवारी जी कहाँ भाई, चेतना जी हैं और तो ऊपर है मंच पर। ये दोनों बच्चों को मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और माँ सरस्वती, माँ बागेश्वरी और माँ दुर्गा देवी, माँ काली देवी, सबकी कृपा पर, आप दोनों पर बेटा बहुत बड़ी कृपा है। आपको बहुत अच्छा आपने मैनेज किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थी, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। सारी बच्चियाँ जो बाराबंकी से आई हुई हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमको लगता सारे परफॉर्मेंस आएंगे स्टेज पर, हमको और अच्छा लगेगा। ये जितने भी हमारे आज हमारे दुकानदार भाई आए हुए हैं, जिन्होंने हर साल की रिस्पेक्ट करते हुए इस साल सब लोगों ने पूरा सम्मान किया है, और सभी मैं दुकानदार भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस महाभीषण पोषण में कोरोना काल के होने के बावजूद आप लोग आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जितने भी यहाँ पर दुकानदार भाई, हमारे व्यापारी भाई आए हुए हैं, किसी का कोई अच्छा सा फायदा लेके जाएंगे, अच्छा सा मुनाफा लेके जाएंगे। मैं ऊपर दुआ करूंगा, जब पिछली बार इतना मौसम खराब होने के बावजूद सबका कुछ ना कुछ अच्छा सा प्रॉफिटेबल हुआ है, मैं चंडिका देवी, भोले शंकर और श्री राम से दुआ मांगता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और संरक्षित मतलब होता है कि अच्छा सा प्रॉफिट लेके जाएं यहाँ से। और लखनऊ ये अवध की धरती है, ये आपको याद रखेंगे। और आप फिर जो अगला हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश महोत्सव होगा, उसमें आपका फिर सहयोग चाहिए। और आपका मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग फिर अगली बार आएंगे, और जो छोटी मोटी थोड़ी कटौती हो उसके लिए मुझे खेद है या मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और आगे से जो भी कुछ होगा और अच्छा होगा, पिछली बार इस बार अच्छा हुआ है, अगली बार और इसे अच्छा होगा। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी स्टेज परफॉर्मेंस है सबके मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं एक और मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है छोटे बच्चों का, भाई KG to PG है। अगर कोई बच्चा गरीब बच्चा है, पढ़ना चाहता है, खास गर्ल्स हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल विशेष प्रमोट करता हूँ। अगर कोई जॉब में करना चाहता है, मैं सारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ, और जितने भी यहाँ पर इस महोत्सव में आए हुए हैं, अगर किसी भी घर में कोई बेरोजगार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो रोजगार देने का बड़ा काम मैं करता हूँ। ये ऊपर वाले की कृपा है कि बहुत सारे लोग बच्चों को रोजगार दिला देता हूँ।
चार पांच हजार बच्चों को पर्याय रोजगार मिलता है। और सम्मानित मंच हमारे सांवरिया जी, एक सुपाल ऑफिस सांवरिया, हमारे सौरभ जी, पीयूष जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सब लोग आप मंच पर आने की कृपा करें। और भाई अरुण जी ने आज बहुत बड़ा आयोजन किया है, बहुत बड़ा। आज क्या मतलब लगातार करते रहेंगे और मैं चिर यौवन बना रहे, इसी तरह साधुवाद बना रहे और इसी तरह पैडमैन हमारे अमित जी, ये लगातार इसी तरह लोगों का और जो मिशन शक्ति है उसी का संरक्षित करते रहे। बहुत बहुत साधुवाद। अर्चना जी, 11 महीने का बच्चा सोच लिया, जोरदार ताली अर्चना जी के होनी चाहिए। बहुत बड़ी, बहुत वीरांगना है आप, इतनी बड़ी बात है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको साधुवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जैसे अभी आदरणीय बेटा कौतूहल मत करें, अभी दो शब्द अगर हमारे वरिष्ठ कोई मुख्य अतिथि बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कौतूहल ना करें, शांत हो जाए बेटा, शांत हो जाए प्लीज। मैं अभी आपको बता दूं कि जैसे भी सर ने कहा कि जो भी बच्चा गरीब तबके का है, जो पढ़ने में थोड़ा सा जो है तेज है और उसके पढ़ाई के लिए बंदोबस्त नहीं है, कहीं से कमजोर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा हो हमसे संपर्क कर सकता है, मैं सर से बोल दूंगा, वहां पहुंच करके उसका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं आज तक, जिसको एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भेजा गया है, आरओसी में भेजा गया है, या वागा हॉस्पिटल है, स्टम डायग्नोसिस सेंटर है, जो जिस जगह का जिस लायक है उसको वहां प्लेसमेंट मिल जाता है, और उससे भी बेहतर है तो बाहर की कंपनियों में जगह दी जाती है। अभी तक कोई बच्चा निराश होकर के नहीं लौटा है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं, ऐसे कोई भी प्रतिभावान बच्चा होगा जिसको जॉब की जरूरत होगी तो मुझसे संपर्क कर सकता है, आपसे मैं निवेदन कर लूंगा, वहां पे पहुंचने के बाद उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, दीप प्रज्वलन हो रहा है। संरक्षक मौजूद हैं, इनके आशीर्वाद से, इनके हाथ के नीचे मैं कार्य करता हूं, और जब विषम परिस्थितियों में होता हूं, कहीं तैयारी नहीं हो पाती तो फिर यहां पहुंच जाता हूं कि अभी बजट में कमी है और वो मिल जाता है वहां से। और आपको बताऊं, कोरोना काल में हम लोगों ने जो कम्युनिटी किचन चलाया या लोगों को राशन पहुंचाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कुंटलों में राशन और चावल हमारे पास पहुंचा हुआ है। इसके लिए मैंने एक अभिनंदन सर्टिफिकेट तैयार किया है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मदद किया है, लगभग कई लाखों में हमने रुपए खर्च किए हैं उसको बांटने में और जन सेवा करने में, उसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय पवन सिंह चौहान जी का है। तो अभिनंदन सर्टिफिकेट उनके लिए तैयार की गई है और मैं अमित जी ऊपर बुलाऊंगा अभिनंदन के लिए, आदरणीय पवन सिंह चौहान जी के लिए ये अभिनंदन सर्टिफिकेट है उनके लिए, जिन्होंने हर समय जन सेवा के लिए हमारे साथ एक आशीर्वाद करना पड़ता है मुझे, और हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उनकी नीतियों से कुछ ज्यादा ही चलना पड़ता है। तो ये मुख्य अतिथि का सम्मान एक आदरणीय पवन सिंह चौहान जी के लिए, आदरणीय कुलदीप सिंह जी भी आ जाए, सुनील सिंह जी भी आ जाए, अमित जी कहां गए।